The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो बहुत ही ज्यादा लोगों ने इस टॉपिक की डिमांड करी, बार बार करते हैं, इसलिए ये टॉपिक आता है आपके पास। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं, व्हाट आर द साइंस जो आज आप देख सकते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। ऑब्वियसली हम मेल्स की बात कर रहे हैं, मगर ये उस दूसरे एंगल से फीमेल पे भी अप्लाई करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन फीमेल्स में डिक्रीज्ड लिबिडो, सेक्स की इच्छा कम हो जाने का ऑप्शन भी फीमेल्स में होता है, राइट? वो भी थोड़ा बहुत इसके आसपास के साइंस आएंगे फीमेल्स में, तो मेल्स और फीमेल दोनों देखेंगे और दोनों शेयर करें। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पक्का अगर आप नए हैं तो आपको अभी पता चल जाएगा कि भी इंफॉर्मेशन एंड योर टाइम इज वर्थ वाइल, और एल्स आपको पता होगा, यू नो मी देन यू नो इट, राइट? सो दिस इज अ डिटेल्ड डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस टॉपिक, ओके? सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, भाई पुरुषों को ऐसा आगे चल के दिक्कत होने वाली है कि नहीं होने वाली है, आज पता चल, भविष्यवाणी नहीं करने वाले हैं, आपका हाथ देख के बताने भी नहीं वाले हैं, आपके माथे की लकीर भी नहीं देखने वाले हैं, कोई भी नहीं, ऐसा कुछ होने वाला। ये साइंस है, ये लक्षण है किस चीज के, आपको समझाते हैं। पहले आप बताते हैं लक्षण और फिर समझाते हैं कि कैसे, ये कैसे समझाए पहले कि फिर लक्षण बताए, जैसे समझ जाओगे आप। मतलब टेक्निकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है, मैंने पहले भी समझाया, पांच चीजों से होता है, पांच चीजों से, पांच मेन कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और टेम्पररी इरेक्टाइल डिसफंक्शन सब में हो सकता है। मेरी वीडियो देखिए तो पता होगा आपको, नहीं देखिए तो भाई देखिया करो, बाकी सारी वीडियो में समझाया हुआ है, और उसमें समझाया हुआ है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन द मेन कारण इज योर हॉर्मोन्स। मेल हॉर्मोन है आपका, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब डिक्रीज्ड लिबिडो, मतलब रिड्यूस्ड ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन फीमेल, टेस्टोस्टेरोन मेल, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, ईस्ट्रोजन कम हो गया, तो लिबिडो कम होगा, इच्छा कम होगी। सो मेन है हॉर्मोन, इसके अलावा भी हॉर्मोन है, देर आर थायरॉयड हॉर्मोन, देर आर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हॉर्मोन, सो हॉर्मोनल इम्बैलेंस इज अ वेरी बिग कारण फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, राइट? द सेकेंड रीजन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैं फट से बता दे रहा हूं, क्योंकि रीजन पे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट? हॉर्मोन्स अब मेन है, उसके वजह से ही साइन सिम्टम शुरू होंगे, हॉर्मोन्स कम होने शुरू हो जाए। हॉर्मोन्स का एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है कि एक नॉर्मल रेंज है, राइट? जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात कर ले, टेस्टोस्टेरोन का एक नॉर्मल रेंज है कि भाई साहब 200 से लेके 800 तक, 1000 तक जा सकता है, एवरेज अप्रोक्सीमेट। सो अगर आपका जब जवानी में 600, 800, 1000 है, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, फिर हुआ 600, फिर 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, तो 400, 300, 200 ऐसे जाते हुए, कम होते हुए कुछ तो साइन सिम्टम आएंगे ना, वो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या साइन सिम्टम आएंगे कि आपके अंदर ये हॉर्मोन्स में ऐसी तैसी हो रही है, ऐसी तैसी हो रही है। ऑब्वियसली ऐसी तैसी हो रही है और हर साल होती है, 30-35 साल के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवरी ईयर कम होता जाता है, आपकी मसल मास एवरी ईयर कम होता जाता है, कितना कम होता है आपको नहीं पता, तो मैंने अपने वीडियोज में बताया, और सब कुछ हर वीडियो में एक ही चीज रिपीट करूंगा तो लोग बोलेंगे सर ये क्या है, तो दूसरी वीडियो जाके देखा करो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन टेस्टोस्टेरोन समझो, ओके? आज बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन कमी हो रहा है या फीमेल में ईस्ट्रोजन कमी हो रहा है, तो उसके लक्षण आएंगे तो आपको पता चलेंगे, राइट? और बहरहाल जस्ट टू मेंशन, और भी कारण होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सबसे बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर इंसान अपनी जान के लिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर केस हो रहा है, सीबीआई का केस हो रहा है, आपकी जान पे लगी पड़ी है, आपका एग्जाम है कल, तो आपको सेक्स के बारे में तो ख्याल नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या है यार, मुझे नहीं करना था कि मेरे दिमाग खराब हो रहा है, तुम पागल हो रही हो, मतलब ऐसे बोलने लग जाओगे तुम, है कि नहीं? क्या हो रहा है, ऐसे नहीं बोलोगे, बोलोगे ना
something like that. Male to female, female to male, something like that can be done. So psychological problem can be there. There can be problems in your nerve supply to the penis. That पीठ में अगर problem है, back में issue है, nerves दबी है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो nerves को problem कर रही है, diabetes है, B12 deficiency, many things I've explained in the other videos. Then खून का supply में अगर problem हो रही है to the penis, then there is a problem. अगर varicocele है, नीचे इस तरह की swollen veins हैं, something like that, so there is a problem. Smoking करते हैं, then खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, उम्र के साथ सिकुड़ जाती हैं, then there is a problem. So खून की नसें, electrical नसें, psychological problem, hormones, these are the reasons, main reasons for erectile dysfunction. And then there might be some physical trauma, physical issue, testes छोटे हैं, testes बड़े हैं, ये वो है, बहुत सारे से. सो हमें ये देखना होता है कि ये सारे कारण, लेकिन मेन अब आज बात कर रहे हैं कि आपका सब कुछ ठीक था, पहले मैं बहुत अच्छा था, ये उल्टा है, पहले मैं बहुत मोटा था और फिर पतला हुआ, नहीं, पहले मैं बहुत अच्छा था, फिर मेरे साथ ऐसे होने लगा, कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आने लगा और फिर मेरे से हो ही नहीं पाता था, मुझे लगता था कि मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा और मुझे लगता था कि ये सब तो अब क्या हो रहा है, मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी लगता है बीवी मुझे छोड़ के चले जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कभी शादी नहीं करेगी, शादी करने का, और जो कवारे हैं उन कहते हैं शादी करने का फ़ायदा क्या है, मेरे से तो कुछ होना भी नहीं है. ऐसे केसेस आते हैं, ठीक है. तो ऐसे केसेस के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द साइंस, एक्चुअल साइंस क्या है. दिमाग में घुसाओ मत, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक अलग है, बट द मेन साइंस ऑफ रिड्यूसिंग हॉर्मोन्स के फ्यूचर में आपको एक्चुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा वो आज समझेंगे, राइट. सो व्हाट आर द मेन साइन, यू विल बी सरप्राइज टू नो द नंबर वन साइन, मतलब ऐसा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, विल जस्ट मेंशन सेवन साइंस. सेवन साइंस में एक पहला साइन है बाल. जी हाँ, बाल अगर आपके कम हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है भाई साहब. जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेयर ग्रोथ इन योर प्यूबर्टी ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन यू ग्रो हेयर्स फ्रॉम एवरीवेयर, एंड दैट टाइम टेस्टोस्टेरोन इज वेरी हाई, एंड इफ यू आर लूजिंग हेयर वेरी वेरी फास्ट, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. सो वन साइन इज लो हेयर लॉस, इंक्रीज्ड हेयर लॉस. That itself, hair loss is a sign of आपके body के अंदर बहुत सारे nutrient की कमी हो सकती है, vitamins की कमी हो सकती है. That can be also a contributing factor. याद रखिए, vitamin D, B12, zinc, इन सारी चीज़ों से आपका testosterone deficiency से कम होता है. We have explained. If you don't know, then you have not watched my video. कितनी बार बुलवाओ, जाओ देखो, अभी पहले ये देख के जाओ, पर देखो. Second is your actual testicular size. If your testes, your andkosh is the scrotum, ande, whatever you call it in Hindi, your testes ka size agar chota ho raha hai, that means it's shrinking. Maybe you are taking some steroid, maybe you are not taking steroid, maybe aapko koi mila ke de raha hai, maybe you are taking natural steroid, maybe usme blood flow kam hai, maybe prayas karan hai, magar uska testes ka size chota ho raha hai, to jahan se hormone aa raha hai testosterone, wahan se hi kam hormone aayega. So that is the second sign, testes ka size. The third is योर स्लीप. या नींद अगर आपको सही से नहीं आती है पिछले कई दिनों से, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपका स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएंगे, एंड यू विल हैव द इरेक्टाइल डिसफंक्शन. तो नींद अच्छी नहीं आ रही है, दैट इज ऑल्सो अ सीरियस थिंग टू बी टेकन केयर. नहीं, बहुत सारी बीमारी आती है, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियां साथ में होने लगती है नींद के वजह से. याद रखें, उसके बैकग्राउंड में दूसरी बीमारियां भी समझा रहे हैं, तो समझ लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है. नींद. देन फोर्थ इज योर बॉडी फैट. ये अगर आपके बॉडी में फैट आ रहा है, अगर आप मोटे हो रहे हैं, तो दैट इज एविडेंट कि आपके टेस्टोस्टेरोन कम हो रहे हैं. जितना ज्यादा मोटा आदमी, उसका टेस्टोस्टेरोन कम होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा. एवरी फैट सेल हैज अ कैपेसिटी टू एरोमेटाइज टेस्टोस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन. दे कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन, एंड योर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन विल ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज योर एक्टिविटी विल रिड्यूस एंड मेनी थिंग्स विल हैपन. सो मोटापे की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है. अगर आप मोटा हो रहे हैं, तो आपका आज नहीं तो कल इरेक्टाइल डिसफंक्शन आने वाला है, वरना आ चुका होगा, क्या मालूम, आप बताते नहीं हो किसी को. इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है बीमारी है. आग बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, और जो है वो है, तो जाके डॉक्टर से मिलिए. चौथा के बाद पांचवा सिम्टम है आपका बोन एंड मसल मास लॉस होने लगता है. आपको लगता है यार ये इंसान जो है सिकुड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, इसके मसल्स कम हो रहे हैं, ये हो रहा है. अगर वैसा कुछ हो रहा है कि मसल्स कम हो रहे हैं, देन दैट मीन्स यू आर लूजिंग टेस्टोस्टेरोन, यू आर लूजिंग टेस्टोस्टेरोन, योर हॉर्मोन.
Same goes with your females. Females may be ye sab hota hai. Right. Then the fifth okay. Sixth sign is your decreased energy. Energy levels aapke andar kam hone lag jati hai. That is again a sign ki aapka testosterone level kam ho raha hai. And the final seventh sign is your mood swings. Testosterone kam hota hai, to depression aata hai. Testosterone badh jata hai, to aggression aata hai. Aur balance mein rehta hai, to sab theek rehta hai. To testosterone agar aapke andar kam hai, you'll be low, you'll be dull. Aare kuch nahi karna yaar, nahi mere se nahi hota. Aaj man nahi hai, mood nahi. Kaam karne ka bhi mood nahi hai, wo karne ka bhi mood nahi. To mood nahi hai. So, a guy saying mood nahi hai is low testosterone. Simple as a pimple. Theek hai? वरना उसका यंग एज में जवानी में बोल के देख लो मूड नहीं है वो एग्जाम छोड़ के मूड बना लेगा. आई मीन एग्जाम तो इंपॉर्टेंट देख लो एग्जाम मूड है लेकिन कुर्बानी देगा कौन आप ही दोगे एग्जाम तो देना पड़ेगा. आई मीन गो एंड गिव योर एग्जाम्स डोंट वरी अबाउट दिस दिस विल कम अलोंग. एंड ये सात साइंस आपको देखने हैं हेयर लॉस रिड्यूस टेस्टिकुलर साइज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग इंक्रीज बॉडी फैट लॉस ऑफ बोन एंड मसल मास डिक्रीज एनर्जी एंड मूड स्विंग्स. इफ यू हैव एनी ऑफ दीज देन यू are in you are going to be in trouble right. So apne testosterone ko badhane ki koshish kariye testosterone ko aur study kariye testosterone wale video dekhiye aur testosterone badhaiye taki aap aage apne part ko satisfy kar paye. Part ko satisfy karna bahut zaruri hai acche relationship ke liye. Thank you so much. Aage chal ke hame thank you bol dena pehle like karke share kariye aur subscribe nahi kiya hai to subscribe ka button dabaiye. I am Dr. Paramjeet in a good mood so don't be offended. Thank you so much. Stay connected, stay healthy.